ऑयल गिरा हुआ देख रहे हैं, सामने ट्रक वगैरह दूर से दिख रहा होगा आपको लगा हुआ, देखिए वो अनिसाबाद मुकामा या पटना मुकामा फोर लेन। लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता था। मैं दिखा रहा हूँ पटना गया डूबी फोर लेन का वो भाग जो एसपी कर रही है और लगभग 5 किलोमीटर का सेक्शन है जो सरिस्ताबाद से स्टार्ट होकर के और इस तरफ चली जाएगी, पुनपुन चली जाएगी। ये लगभग 128 से 123 किलोमीटर का सेक्शन है जो कि अभी प्रेजेंट में दो कंपनी काम कर रही है, जेएसपी और रामकृपाल सिंह। जेएसपी का काम लगभग 53 किलोमीटर तक है, उसके बाद फिर रामकृपाल कंस्ट्रक्शन का इस साइड आगे, मतलब आप जहानाबाद साइड बढ़िएगा तो उस साइड है। तो ये इस तरफ का मैं अपडेट दूंगा, ये ग्रीनफील्ड है पूरे तरीके से, यहाँ ये जिस तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं तो ग्रीनफील्ड है, थोड़ा बहुत ब्राउनफील्ड है, फिर ग्रीनफील्ड है। लगभग इसमें 62 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड है और 62 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड है, कम ज़्यादा हो सकती है। जो क्रेन लगा हुआ है ये मीठापुर मोहली रोड का काम लगा हुआ है, इस तरफ पटना है मीठापुर है और इस तरफ रोड चली जाएगी तो मोहली की ओर चली जाएगी। पहले यही रास्ता हुआ करता था जो आज मीठापुर मोहली के नाम से जाना जाता है, यही पुनपुन होते हुए और लोग जडडुमरी होते हुए मसौरी होते हुए और गया को जाते थे। अब ये नया ग्रीनफील्ड रास्ता हो गया जिससे गाड़ियाँ जा रही है, ये ऑपरेशनल है। जडडुमरी के पास सिर्फ काम बाकी है, रेलवे लाइन के पास जो नेवरा दनियावा रेलवे लाइन है, जडडुमरी दनियावा वो बाकी है और मैं लेकर चलूँगा आपको इस साइड। जो ग्रीनफील्ड का काम है ये लगभग 4 किलोमीटर होगा जिसमें लगभग 2.5 किलोमीटर का काम कम्प्लीट है और लगभग 1.5 किलोमीटर का काम बाकी है, ज़्यादा कम हो सकती है क्योंकि अभी मैं इस रोड से गुजरा नहीं हूँ तो लेंथ हमको जो काम बचा हुआ उसका पता नहीं है। तो लेंथ मैं अभी चलूँगा पढ़ूँगा कहीं पर तो वो पता चले जाएगा। तो जो काम था बीच का देख सकते हैं आप ये हो चुका है, लेकिन इससे तो मैं आ नहीं सकता हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर सकता, उस तरफ का काम भरा हुआ मट्टी भरा हुआ। तो चलिए उधर दिखाता हूँ। एक अलग रास्ता है पटना जाने के लिए जो कि ये भी एक एलिवेटेड रोड बन चुका है आगे में, तो ये एक फास्ट कनेक्टिविटी देगी। 8 किलोमीटर और 540 मीटर पर हूँ मैं यहाँ पर अभी और ये एक अलग रास्ता है जो पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड है जो मैं ये दिखा रहा हूँ उसका अपडेट बता रहा हूँ। और इस तरफ परसा स्टेशन है और फिर पटना है और इस तरफ राम गोविंद सिंह मोहली स्टेशन है, पुनपुन है, पुनपुन घाट है और फिर जाकर के जो है कि जटडुमरी है, मसौढ़ी है इस साइड। तो इस तरफ से तो पैसेंजर गाड़ियां नहीं चलती हैं, लेकिन चलिए हमें पैदल चलना है तो देखता हूँ क्या कंडीशन है। कुछ गाड़ियां बाइक वगैरह शायद किन्हीं का हेल्प मिल जाए तो मैं आगे का अपडेट दूंगा और अनिसाबाद तक निकल जाऊँगा तो दो बाग में इसका अपडेट करूँगा। और बाइक से जो लोग आते हैं अनिसाबाद साइड से तो अभी प्रेजेंट में वहाँ पे अंडर पास है, देखो बाइक जा रही है तो आप भी आ सकते हैं और इस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इस रूट में निकल सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ से रोड एकदम कंप्लीट है और ये मेरे लिए चैलेंजिंग है इस रोड को कड़ी धूप में कवर करना। तो चलिए देखता हूँ शायद कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए जो हमें इस रोड को सट से पार करा दे। तो वेट भी करूँगा, डिवाइडर भी देख सकते हैं आप, लगभग 2.5 मीटर चौड़ा ये डिवाइडर है और रोड भी आप देख सकते हैं बिटुमिनस का रोड है और पूरी तरीके से ये ग्रीनफील्ड है जिसका कि मैं दिखाया। तो चलिए देखता हूँ इस तरफ जो है कि पुनपुन की ओर आप चले जाइएगा तो देखते हैं क्या होता है आगे। चलना है 4 किलोमीटर, दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। चलिए देखते हैं जहाँ तक हो सकता है करूँगा, मतलब कि 1 घंटे का ट्रैवल टाइम है मेरा। से इस रोड की बात करूँ तो जहाँ पर नथुपुर गोलम्बर है वहाँ पर काम स्टार्ट हो चुका है, भले मैं पहुँच पाऊँ या नहीं पहुँच पाऊँ बात की बात है, लेकिन काम स्टार्ट है। अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा तो अगले वीडियो में ज़रूर अपडेट करूँगा। और उस तरफ ट्रेन जाते हुए देखिए आप, वो पटना से ट्रेन आ रही है परसा होते हुए और फिर इस तरफ होते हुए और पुनपुन की ओर चली जाएगी, गया की ओर चली जाएगी। खैर गाड़ी तो अभी तक नहीं मिली है, चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ आइएगा आप तो एक एक्सप्रेसवे वाली फीलिंग मिलेगी। अभी थोड़ा सा बैरिकेटिंग वगैरह अगल बगल करना बाकी है, फिर तो आप गाड़ी आराम से 80-90 की स्पीड ले जा सकते हैं क्योंकि इस रूट ये खेत में बना हुआ है तो मवेशियों का आना जाना और एनिमल का आना जाना जो अगल बगल में रहते होंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और दूर से ही नज़र आ रहा है काफ़ी दूर हाइट वाली बिल्डिंग जो अनिसाबाद से जब आप मीठापुर की ओर बढ़िएगा तो है, लेकिन देखिए अभी तक गाड़ी नहीं मिली है। लगभग 1 घंटे से मैं हूँ लेकिन फिर भी मैं इसका लोकेशन दिखा दे रहा हूँ और एक खूबसूरती दिखा दे रहा हूँ कि ये Oh, oh, oh.
एरिया में आप सॉइल गिरा हुआ देख रहे हैं, सामने ट्रक वगैरह दूर से दिख रहा होगा आपको लगा हुआ, देखिए वो अनिसाबाद मोकामा या पटना मोकामा फोर लेन है या पटना बख्तियारपुर फोर लेन है, ट्रक गुजरते हुए आपको दिख रही होगी। और ये सरिस्ताबाद वाला भाग है जो कि सॉइल फिलिंग का काम चल रहा है, देखिए आप। और पूरा मैं इस साइड तो आपको दिखाया ही। रोड की चौड़ाई की बात करूँ तो ये लगभग ऐसा लग रहा है जैसे 70 से 80 फीट या 90 फीट भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है 100 फीट 120 फीट, क्योंकि मार्का नहीं है। लेकिन जहाँ तक इसकी सॉइल फिलिंग हुई हुई है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और ये इतना सा काम जो है कि 700 करोड़ का है, ये अनिसाबाद से लेकर के यानी सरिस्ताबाद से लेकर के और जहाँ तक का काम बचा हुआ है नथुपुर गोलम्बर तक का, ऐसा पेपर में आया था। जो भी मैं कुछ बोलता हूँ वो पहले पढ़ता हूँ उसके बाद बताता हूँ, कहीं पर ऊँच नीच क्योंकि यादें उतनी हर इंसान की स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ। कुछ आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पर शायद कलवर बनेगा या कुछ भी, क्योंकि ये रोड हाइट पे रहेगी और आम जनता के लिए आसान होगा, ये ज़मीन पे नहीं रहेगी, थोड़ी सी हाइट पे ये रोड रहेगी। सामने वाला घर तोड़ना बाकी है और ये घर तोड़ना बाकी है और उस तरफ वहाँ पे वो घर तोड़ना बाकी है, ये जहाँ पर वाइट एस आदमी देख रहे हैं शर्ट टी शर्ट पहने हुए। सामने जो रोड फिर से बता दो देख रहे हैं वो पटना मोकामा फोर लेन या पटना बख्तियारपुर फोर लेन है, वहीं से अनिसाबाद एलिवेटेड रोड स्टार्ट होगी और इस तरफ ये सिक्स लेन का रोड होगा जो अनिसाबाद जा करके से होते हुए और एम्स तक जाएगी, लगभग 7 किलोमीटर का सेक्शन होगा। तो ये और ये जिसपे मैं चल रहा हूँ ये है ग्रीनफील्ड पटना गया डोभी फोर लेन का, सरिस्ताबाद से लेकर के इस साइड नथुपुर होते हुए और मीठापुर मोहली जो एलिवेटेड रोड है यहाँ पर जा गिरेगी वहाँ तक का है। तो वहाँ से मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ और दे रहा हूँ। मैं ले आया आपको पटना बख्तियारपुर फोर लेन पे, ये पटना बख्तियारपुर फोर लेन है, इस तरफ अनिसाबाद से स्टार्ट होकर के इस तरफ बख्तियारपुर पे अभी एंड है, फ्यूचर में मोकामा तक हो जाएगी। और यहीं से फिर से बता दूं मैं जो अनिसाबाद एम्स एलिवेटेड रोड है स्टार्ट होगा आगे पीछे से 100 मीटर 50 मीटर 1 किलोमीटर आगे पीछे और ये सरिस्ताबाद वाला रोड है। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। जरूर रहिए मेरे साथ नए अपडेट के साथ। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।